ओम शांति। आज है 6 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 22/2/90 मधुबन। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु, बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाटधारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप में मनाते हैं। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना? ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मापद्म भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो, तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्वात्माओं प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है या आत्मा से मिलते हो व देखते हो? शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे, इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है।
आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है व दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भल 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ तो क्या होगा। जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सर्कमस्टांश दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, यह अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता, लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहां ना कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, समझा? बाप दादा खुश हैं, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना बाप दादा भी देख रहे हैं। संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। नियमित बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे।
कोयले के 35 वैगन्स आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है, कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्वति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है, यह नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते कभी चढ़ते कभी चलते ऐसे तो नहीं, न पीछे हटने वाले हो न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसी कोई ना कोई बात ड्रामानुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामानुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल देता है। कुछ भी हो जाए लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है। यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई अमृत वेला सेवा जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, तो ये जो कायदे बने हुए हैं नियम बने हुए हैं उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो याद नहीं, अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया ना, कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा, सब मन को पसंद है ना।
क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज देती है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो लेकिन प्यार में नंबर वन हो। सेवा भी अच्छी करते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर वन प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी, कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस ना हो, इसमें भी नंबर वन होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, यह तीनों में नंबर वन चाहिए। वरदान तो सबको मिलते है ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो यह तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजयमाला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंचे। दिलाराम बाप सभी बड़े दिल वाले बच्चों को बड़े दिल से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पदम गुणा कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं है, इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग वरदान। अकल्याण के सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। श्लोगन, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।